हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मैं हूं अनुजा कश्यप। दिन भर की अहम खबरों को लेकर के आप सबके बीच। दिल्ली के सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में एक बार फिर से जान आ गई है। जी हां, 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के बाद जहां किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ता दिख रहा था, वहीं राकेश टिकैत के आंसुओं ने उसमें फिर से जान फूंक दी है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को केंद्र सरकार कृषि कानून को लेकर एक बार फिर हमला बोल दिया। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि खुद किसानों को बताएं कि वह कृषि कानूनों को वापस क्यों नहीं लेना चाहते। उन्होंने आगे सरकार से सवाल करते हुए कहा है कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह नए कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करने पर अड़े हुए हैं। बता दें कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद खत्म होते देख रहे किसान आंदोलन पे राकेश टिकैत की वजह से एक बार फिर धार पकड़ में आई है। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने झारखंड से यूपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से जुड़ने वाली सड़कों को विकसित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे प्राथमिकता के तहत इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के अधिकारियों से बात करें, उन्हें इन सड़कों की उपयोगिता के बारे में बताएं। मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि NH-75 रांची, कुड्डू, लातेहार, डाल्टनगंज व गढ़वा होते हुए झारखंड को यूपी से जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है। गढ़वा से आगे उत्तर प्रदेश तक इसकी लंबाई 202 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सड़क को रांची से कुड्डू तक करीब 55 किलोमीटर फोर लेन बना दिया है, लेकिन इसके आगे काम नहीं हुआ है। ऐसे में सड़क को आगे भी फोर लेन बनाने का आग्रह केंद्र सरकार से करना चाहिए। केंद्रीय सरना समिति फूलचंद तिर्की गुट, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद सत्यनारायण लकड़ा गुट और आदिवासी सेंगल अभियान ने केंद्र सरकार से सरना कोड लागू करने की मांग की है। इसे लेकर आज यानी रविवार 31 जनवरी को रेल रोड चक्का जाम करने की घोषणा भी है। इसकी पूर्व संध्या पर अल्बर्ट एक्का चौक पर मशाल जुलूस निकाला गया था। फूलचंद तिर्की ने कहा है कि आदिवासी वर्षों से अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वह हर हाल में 2021 की जनगणना में सरना धर्म कोड चाहते हैं, इसलिए आज 31 जनवरी को 5 राज्यों झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि आज शनिवार से मौसम साफ हो जाएगा। हालांकि अगले 2-3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड के उत्तरी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे, कुछ देर के लिए हल्की धूप निकली। बारिश का ज्यादा असर मध्य और दक्षिणी झारखंड में हुआ था। सुबह राजधानी सहित कई इलाकों में छिटपुट बारिश भी हुई, जिससे ठंड का एहसास ज्यादा हुआ था। झारखंड सरकार जिस तरह सरकारी कर्मियों को वर्दी भत्ता देती है, ठीक उसी तरह ताना भगत समुदाय के लोगों को सरकार वर्ष में एक बार वस्त्र के लिए 2000 रुपये देगी। यह नवनिर्मित भवन ताना भगत समुदाय को समर्पित करते हुए मुझे खुशी हो रही है। जिस अनुशासन से ताना भगत रहते हैं, ठीक उसी प्रकार इस भवन को भी रखना है। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शनिवार को रांची के बनहोरा में बने ताना भगत अतिथि गृह के उद्घाटन समारोह में कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी एवं चतरा ताना भगत की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया। सरकार आश्वस्त करती है कि आने वाले दिनों में राज्य में बेहतर परिवर्तन आएगा। झारखंड का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, पीड़ा झेली, अब जब जिम्मेदारी कंधों पर आई है तो उस संघर्ष का मतलब समझ में आया। अब तक के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ खास और अहम खबरों को लेकर के। तब तक के लिए आप बने रहें जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।